सिख कौम जनसेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। यह सेवा चाहे देश में हो या विदेश में, गरीब हो या अमीर, सभी को एक समान देखा जाता है। गुरु सिंह सभा द्वारा चलाए जा रहे गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा राजौरी गार्डन में अब कैंसर का शुरुआती इलाज हो सकेगा। सभी तरह की जांच बहुत ही सस्ती दरों में मात्र 5,000 रुपए में किए जाएंगे, वही कीमोथेरेपी भी की जाएगी। रूबरू हुए कि पिछले दिन आज जिथे आप जी नू दस्या गया सी कि गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा राजौरी गार्डन जिथे कि मैनेजमेंट विच सरदार हरमनजीत सिंह जी एज अ प्रेजिडेंट सेवा कर रहे ने, ते जिवें कि तुसी जानते हो कि दुनिया के किसी कोने दे विच समा कोई भी रहा होवे, सिख जिथे भी जाके वसदे ने उत्थे दा एजुकेशनल, उत्थे दी मेडिकल फैसिलिटीज, ते उत्थे दी इकोनॉमिक कंडीशंस हमेशा उत्ते जांदियां ने। अज असीं देशां विदेशां च भी देखदे आ, कैनेडा, अमेरिका ते इंडिया दे भी ओह इलाके जिन्हां नूं सरकारां भी कहिंदियां सी कि रेगिस्तान ने, जां इत्थे फसलां नहीं हो सकदियां, ते सिख जिथे भी गए ने अज उत्थे सिखां दी इकोनॉमिक कंडीशन दे निशान झूल रहे ने। ते खास करके हुण जदों असीं राजौरी गार्डन की गल करदे आ जो कि एक सिख बहुल इलाका है, ते इत्थों ओह सेवावां कीतियां जांदियां ने, चाहे वह स्कूल होए, चाहे वह डायलिसिस सेंटर होए, चाहे वह कॉस्ट टू कॉस्ट दवाइया का फार्मेसी होए, चाहे वह अखा के ऑपरेशन हो। हूँ जिवें कि तुहानू पिछे दस्या सी कि खालसा कैंसर केयर कीमोथेरेपी सेंटर संगत दे वास्ते, लोड़वंदा वास्ते, मरीजा वास्ते, क्योंकि कैंसर एक ऐसी भयानक बीमारी है जिस घर दे विच भी वड़ जाती है वह समाज तो भी दूर हो जाता है, वह परिवार तो भी दूर हो जाता है, तो वो अपने भी वह साथ छड़ जाते हैं, क्योंकि इन्ना महंगा इलाज अज अमीर तो अमीर आदमी भी डोल जाता है। तो एक आम इंसान के घर अगर कैंसर वर्गी नामुराद बीमारी आ जाए तो वह तो शायद इस समाज का हिस्सा भी नहीं रहता। तो हूँ सरदार हरमनजीत सिंह जी ते नाल ही डॉक्टर मनदीप सिंह जी जो कि सी के बिरला हॉस्पिटल के मेन ऑनकोलॉजी डिपार्टमेंट के हैड ने, नाल ही डॉक्टर हरसिमरन सिंह जी, नाल ही डॉक्टर नाल ही इंद्रजीत वीर जी नाल आए ने, जेडे कि सारे मिल के इस प्रोजेक्ट नू किवें संगत दी लोड़वंदा दी सेवा दे विच हाजिर करना है। ते हुण मैं बेनती करांगा सर हरमनजीत सिंह जी आपने दो शब्द कहणगे। कैंसर दे विच वन ऑफ दी जेडे डॉक्टर हैगे ने उहनां च इक आंदे हैगे ने इन्ने अच्छे डॉक्टर मनदीप सिंह जी, इहनां दा हैगा और इहनां ने सानूं प्रेरणा दित्ती। और मेरा भी इह ना इक ड्रीम प्रोजेक्ट हैगा सीगा कि वी इह मैं करना चाहुंदा सीगा, ते फिर इहनां ने कोई जिवें हुंदा ना कोई चीज़ ऐसी हुंदी कि इहदे रब्बो ही कोई बंदा भेज दिंदा हैगा है, कोई सच्चे पातशाह दी मेहर नाल ही आ जांदा हैगा, ते इह ना उस हिसाब दे नाल ना सानूं ना पूरी तरीके दे नाल ना इहनां ने सानूं गाइड कीता, जिवें जिवें गाइड करदे पए ने जां जिवें जिवें हुंदा पिया असीं कर रहे हैं। बाकी ते डॉक्टर साहब भी दस्सणगे सारा कुछ, पर मैं चाहना गा वा कि यह जिहड़ा भी साडी वीडियो सुने असीं जिहड़ा सारिआं ने अपना कमेटी ने फैसला लिया 5,000 ही कीता है, 5,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੇਟ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਤੜ ਮੇਲ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਸੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ गुरुदेव खालसा केयर ऑर्गेनाइजर के मुख्य वक्ता तथा संचालक सरदार राजेंद्र सिंह ने बताया। तजिंदर सिंह गोया, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा राजौरी गार्डन खालसा केयर कैंसर केयर। देखिए, जैसे कि आपने बनाया, कैंसर एक ऐसी नामुराद बीमारी है जिसके नाम से ही घर की दीवारें भी हैं। तो एक आम जनमानस जिसको कैंसर के बारे में, देखो हम साइंस हमने पढ़ी नहीं, और साइंस पढ़ी भी तो कैंसर को तो हमने किसी ने भी पढ़ा नहीं है,
तो जब कैंसर का नाम आता तो हमको जीरो नॉलेज है और उस जीरो नॉलेज का फायदा बहुत लोग उठा जाते हैं। मैं किसी को गलत नहीं कहना चाहूँगा, मगर हाँ मैं ये जरूर आपको बताना चाहूँगा कि अगर भगवान ना करे आपके घर में किसी को कैंसर या आसपास आपके किसी को कैंसर की दिक्कत है तो वो खालसा कैंसर केयर जे ब्लॉक रजौरी गार्डन में पहुँचे। वहाँ पे पहली बात तो फ्री कैंसर ओपीडी है, जहाँ पे बड़े कैंसर के डॉक्टर्स आपको सही राइट ओपिनियन देंगे कि आपकी बीमारी अभी स्टेज वन पे है, स्टेज फोर पे है या अभी आप प्री कैंसर स्टेज में है। वहाँ पे आपको बेवकूफ नहीं बनाया जाएगा। कई जगह ऐसी होती है लोगों को जानकारी नहीं होती, जागरूकता नहीं होती है इस बारे में कि कैंसर हुआ या नहीं हुआ। आदमी कभी इधर दवाइयाँ लेते रहता था, उसके लिए जजमेंट करने के लिए आपके पास डॉक्टर कौन सी टीम है जो सही उनको प्रिकॉशन दे सके? देखिए हमारे पास डॉक्टर मनदीप सिंह जो कि सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट है, इस टाइम काफ़ी बड़े हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, एम्स से पढ़े हुए हैं, लंदन भी पढ़ के आए हैं, बाहर प्रैक्टिस भी करके आए हैं, तो वो और उनके साथियों की एक टीम है जो दिल्ली के अंदर अलग अलग हॉस्पिटल्स में, आज अमेरिका में, यूरोप में, अलग अलग हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हैं। मगर हाँ ब्यूटी की ये है आज टेक्नोलॉजी की कि व्हाट्सएप के जरिए, वॉइस कॉलिंग के जरिए हम एक दूसरे से सलाह भी ले सकते हैं और पता कर सकते हैं कि किस स्टेज पे किस बीमारी का इलाज कैसे करना चाहिए। आम कैंसर कैंसर शरीर में कहीं भी उत्पन्न हो जाए तो कीमोथेरेपी देनी और रेडिएशन देनी कंपलसरी है। तो उस कीमोथेरेपी के इलाज को बिल्कुल सस्ता करने के लिए जो रेट में कोई अफोर्ड कर पाए उस रेट में हम उस इलाज को लेके आए हैं, जहाँ पे डे केयर का खर्चा बाकी हॉस्पिटल्स वाले कई हजारों में लेते हैं, हमारे यहाँ सिर्फ 5,000 रुपये लिए जाएंगे, जिसके अंदर सारे डॉक्टर्स की सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं उसके अंदर मिलेंगी, प्लस सबसे बड़ी बात आती है दवाई की। अब दवाई किसी के ऊपर लिखा है 30,000, किसी पे लिखा है 50,000, किसी पे लिखा है 1.5 लाख, मगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1.5 लाख इस दवाई पे लिखा है, कई बार वो दवाई सिर्फ 30,000-25,000 में बाजार में। कोई ऐसी बात नहीं है जी कि किसी की हम अप्रोच लगाएं या देखो, हर आदमी दुखी है, जिसको कैंसर हो गया उसकी क्या अप्रोच लगानी। तो हमारे डॉक्टर्स की टीम की यही एक इच्छा है कि जैसे जो पेशेंट आ रहा है जिसकी प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है देखो पहले उसको पहले दी जाए, जिसकी प्रॉब्लम कम है उसका दूसरे नंबर पे इलाज कर दिया जाए, मगर कैंसर तो सभी का इलाज करता है। मैसेज क्या है आम पब्लिक के लिए? क्या मैसेज यही है कि हम देखिए सामाजिक तौर पर बहुत ज़्यादा उनका नाम हमेशा आगे रहा। मैसेज यही है जी मेरा, आज के युग का पढ़ाई दवाई कमाई ये करे आज देश की अगुवाई। तो हम पढ़ाई के अंदर अच्छा करें, दवाई हम दे रहे हैं, इकोनॉमिक्स में हम ऊपर जाएं, हमारा देश तरक्की करे, तो जहां पे भी सीख जाते हैं वहां पे खुशहाली ले आते हैं, चाहे वो आज कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई और देश हो, तो उसी चीज़ को उस परचम को लहराते हुए आज भी मेरा संदेश यही है कि हम एक इंसान हैं, इंसानियत के लिए पहले काम करें, बाकी सब चीज़ परे है। थैंक यू सर। कैंसर सर्जन डॉक्टर मनदीप सिंह ने बताया। तो मैं डॉक्टर मनदीप मल्होत्रा जी, बिल्कुल मैं कैंसर सर्जन हूँ और मैं अभी सी के बिरला हॉस्पिटल से अटैच्ड हूँ और प्लस यहाँ गुरुद्वारे में सेवा देता हूँ, प्लस हमारा आर्ट ऑफ हीलिंग कैंसर करके इनिशिएटिव है। कैंसर जो है नाम से भी खतरनाक होता है, आम पब्लिक के जहन में अगर वो पता लग जाता है कि कैंसर है तो उसके ऊपर मानसिक तौर पर ही बड़ा वो परेशान होता, तो उसको कैसे कन्वे किया जाए कि भाई आप इलाज हो जाएगा, क्या है किस तरीके से पहली स्थिति में क्या होना चाहिए? कैंसर के सबसे बड़ी बात है कि कैंसर को आइडेंटिफाई करना, फिर कैंसर को स्टेज करना, फिर कैंसर की टाइपिंग करना। अब इंडिया की मैं बात करूं, अगर मुंह का कैंसर है तो अगर शुरुआत स्टेज में पकड़ लें उसको तो सिर्फ छोटे ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा। जब बंदा तम्बाकू खाता है तो थोड़ा थोड़ा शुरू में चेंज होता है, उसको पकड़ लें। ब्रेस्ट कैंसर में अगर कोई लंप है या कुछ है तो घबराए मत। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम फॉर मल्टीपल रीजंस, मैं ये नहीं कह रहा कि हम बताते नहीं है, एक लेडी बताएगी नहीं, वो जब तक तकलीफ ना हो तब तक वो बताएगी नहीं। तो अगर उसी स्टेज पे वो पकड़ ले तो एक तो अर्ली स्टेज पे हो जाएगा। आज की डेट में अगर इंडिया की मैं बात करता हूँ, मेड इन इंडिया, ब्रेस्ट कैंसर अगर आप अर्ली स्टेज पे पकड़ लो तो हम सिंपल एक ऑपरेशन
और बैंगलोर में एक नई मेक इन इंडिया लैब है जो टेस्ट करके बता देती है कि हाई रिस्क है कि लो रिस्क है। अगर लो रिस्क है तो आप सिंपल हार्मोन टैबलेट से ठीक कर सकते, इतना फर्क पड़ जाता है। सिमिलरली बाकी जैसे बच्चेदानी का कैंसर, जब प्रॉब्लम हो रही है आप उसको जल्दी आइडेंटिफाई करो, जल्दी आइडेंटिफाई करोगे तो सिंपल एक ऑपरेशन से भी ठीक हो जाएगा, बट एडवांस हो जाता है तब प्रॉब्लम। आप एक बहुत बड़े सर्जन हैं और बहुत बड़े हॉस्पिटल में काम करते हैं, समाज की सेवा के लिए आपको कैसा दायित्व मिला है और आप कितना अपने आप को ये बना सके कि मैं समाज की सेवा करने के लिए भी अग्रसर हूँ? सर एक डॉक्टर का ना प्राइमरी मोटिव ये होता है कि वो कितने पेशेंट्स को हेल्प कर पाए या उससे कितने। देखो अगर गवर्नमेंट जैसे हम जब हमको ट्रेन किया जाता है, हमको MBBS की पढ़ाई कराई गई, फिर हमको ये कराया गया वो, तो प्राइमरी मोटिव क्या है कि ये डॉक्टर मैंने बनाया इससे मैं कितने पेशेंट का भला करूँ। तो इसमें चाहे वो एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है जहाँ ऑब्वियसली एवरीथिंग देयर इज अ इकोनॉमी बिहाइंड इट, चाहे ये सेवा है, डॉक्टर का प्राइमरी मोटिव होता है हमारा एलिगजरी पेशेंट ठीक हो जाए, उससे बेटर कुछ नहीं। तो दैट इज इट इज नॉट समाज की सेवा, इट इज मेरी अपनी सेवा। जागरूकता करने के लिए क्या होना है, क्या एक और भी क्या करना चाहिए गुरुद्वारे को कि सब लोगों को जागरूक होए और इस सबसे अवेयरनेस भी होए कुछ? सर अवेयरनेस डेफिनेटली हमें करनी चाहिए, हमें बहुत सारी चीज़ों पे बात करनी चाहिए, बट अभी मेरा जो प्राइमरी मोटिव ये दिखता है कि पहले हम ट्रीटमेंट फैसिलिटी तो बना लें।